नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं कि जेरोदा के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों किस तरह से एक साथ लगा सकते हैं। लाइव मार्केट चल रहा है, उसका एक मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। तो सिंपल है, ऐड कर लें ऐप में भी, अगर जाना चाहे तो ऐप से कर लें। मैं क्रोम में आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आए, यहाँ पे ये तीन घंटियां दिख रही है जिसमें मोर ऑप्शन है, वहां पे जाए। जब आप किसी ऑप्शन को बाय करते हैं उस वक्त भी किस तरह से एसएल और ये लगा सकते हैं, और ऑप्शन को बाय करने के बाद में जो आपकी पोजीशन आ जाती है तब भी, यानी कि आप उसके अंदर एसएल और टारगेट दोनों एक साथ जेरोदा में लगा सकते हैं। आप स्टॉक में भी लगा सकते हैं। इन दो ऐप का मेरे को आइडिया है, इसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे अभी 41,000 की कॉल चल रही है, उसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन में गए क्रिएट जीटीटी। बाय करते वक्त आप सिंगल यहाँ पे टारगेट आपको दे दिया कि जैसे ही जिस रेट पे आप बाय कर रहे हो सिंगल, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप बायर हैं तो बाय पे करते हैं, सेलर है तो सेल पे करते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस आ गई, आप अपने इसको मैनुअल कर सकते हो। जैसे कि ये अभी 24.26 चल रही है, आप अगर इसका टारगेट 500 लगाना चाहते हैं तो 500 के अंदर ये दोनों साइड में आप प्राइस डाल दें, लिमिट ऑर्डर रहेगा ये, ठीक है। अब इसको आप जैसे बाय करेंगे, बाय करते ही इसका टारगेट लग जाएगा, प्लेस कर देंगे ऑर्डर, और ऑर्डर प्लेस करते ही यानी कि इसका बाय का ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट प्राइस, और ये प्राइस जो जिसके सॉरी ये वाली यहाँ पे आपको करनी है बाय प्राइस। जैसे मान लो 225 पे ऑर्डर लगा रहे हो तो प्लेस ऑर्डर कर दोगे, उसी के साथ में आपका 500 पे इसका टारगेट भी लग जाएगा। अब ये सिंगल ऑर्डर है, अब है ओसीओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब आप बाय कर रहे हो तो इसके अंदर आपको टारगेट प्राइस आ गया, आप बाय करोगे इसमें MBA करीबन लिमिट पे जाएगा, ये मार्केट प्राइस पे बाय होगा यहाँ से। अगर आप बाय कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना, मार्केट प्राइस पे ये बाय होगा। यहाँ पे आपका टारगेट आ गया, क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गई, ठीक है ना। ट्रिगर प्राइस आ गई, सॉरी ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस आया है। तो स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस क्या आ गया, एक बार इसको दोबारा से करते हैं, क्रिएट जीटीटी ओसीसी, स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस। अब जैसे 427 चल रहा है, यहाँ पे आप इसको कम कर दो, जैसे मान लो आपने कर लिया 400 पे ये आपका एसएल स्टॉप लॉस जो है वहां पे आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। और प्राइस कौन से पे ऑर्डर क्लियर होगा, तो ये 390 करना है, 10 पॉइंट नीचे का करना है। क्यों, क्योंकि जब 400 पे जाते ही ऑर्डर अगर 400 पे लगेगा, और अगर मार्केट की जो प्राइस है वो थोड़ी नीचे आ गई, तो आपके यहाँ पे वो ऑर्डर लगा रहेगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा, और वो प्राइस नीचे जाती रहेगी, तो इसलिए 10 पॉइंट नीचे ये कर दिया। अब है टारगेट, टारगेट के अंदर आपको कितना करना है ये देख लेना, नहीं तो क्या है कि उल्टा लगा दिया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लॉस में भी सेटल हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। अब टारगेट आपका टारगेट का क्या करना है, 500 का, और यहाँ पे जैसे ट्रिगर प्राइस है 500 पे ट्रिगर हो और 495 पे एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपल इसको प्लेस कर देना है, आप ऑटोमेटिक आप 427 428 ये वाली प्राइस चल रही है इसके ऊपर, यानी कि आप मार्केट के प्राइस पे प्राइस कर लोगे, और ऑटोमेटिक आपके ये वाला ऑप्शन बाय हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट एक ही साथ लग जाएगा। लेकिन ये जो बफर है, इसको बफर कहते हैं, 5-5-10 पॉइंट का, ये जरूर एग्जीक्यूट करना। इसका रीजन क्या है कि जैसे मान लो स्टॉप लॉस आपने 400 पे लगाया, 400 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रिगर हो गया 400 पर, और यहाँ पे प्राइस भी आपने लगा दी 400, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि आपने 400 पे लगाया और प्राइस 400 पे आते ही एसएल ट्रिगर हो गया, लेकिन जैसे ये अभी ये करंट प्राइस जैसे 248-229 चल रही है, ये 290 आ गई। भाई मार्केट है, एकदम से आपके लिए इंतजार तो करेगी नहीं, जैसे ये नीचे गिर रहा है तभी तो आपका ऐसा लेट हो रहा है। तो 390 आ गई, तब वो आपका ऑर्डर 400 पे लगा हुआ रह जाएगा, सेल का जो ऑर्डर है वो 400 पे लगा जाएगा, प्राइस कहाँ चली गई, नीचे चली गई, तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान। तो एक तो तरीका है ये
बफर लेना का समझा दिया मैंने रीजन। और दूसरा तरीका है, जैसे ही आप पोजीशन में जाते हैं, पोजीशन में जाते ही इसी तरह से क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन आता है पोजीशन के राइट साइड में, जब भी आप देखेंगे तो इसी तरह से क्रिएट जीटीटी का ऑर्डर आता है। यहाँ पे तो आप वही सेम है, बाय का है तो ओसी ओ कर दें और इस तरह से यानी कि आप इसमें ये लगा दें, ठीक है, तब ही यानी कि वहां पे भी जाके आप ये कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप एक ही साथ दो ऑर्डर लगा सकते हैं। दो ऑर्डर कैसे, अब ये जीटीटी का ऑर्डर भी लगा दिया, मान लो आपने जीटीटी में तो लगा दिया आपने टारगेट का, टारगेट का ऑर्डर आपने जीटीटी के थ्रू लगा दिया। कई बार क्या है ना कि एसएल जीटीटी के थ्रू ट्रिगर नहीं हो पाता, तो टारगेट का इसके जीटीटी के थ्रू लगा दिया, लेकिन इसमें एसएल भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये एसएल का प्राइस है तो यहाँ पे जैसे अभी आप 429 चल रहा है तो आप 300 का लगा दो तो एसएल ट्रिगर नहीं होगा। बफर ले लिया आपने खूब सारा एसएल ले लिया, यहाँ पे ये ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा फिर क्या होगा, आपने जो सिंपल जो एसएल है MIS का ट्रांजेक्शन कर रखा है तो उनके लिए ये जीटीटी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। जब आप नॉर्मल बाय करते हैं, नॉर्मल या डिलीवरी वाला जो बाइंग है उन्हीं के लिए जीटीटी का ऑप्शन आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब MIS में करा, MIS में आपने एसएल लिमिट लगा दिया, वहां पे भी यानी कि आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों पूछता है, तो ट्रिगर जैसे आपने लगा दिया 400 और 390 आपने लिमिट लगा दी कि भाई 400 पे मेरा एसएल ट्रिगर हो जाए और 390 पे मेरा उसके, अगर 390 के नीचे भी मार्केट प्राइस चली गई तो भी आपका ऑर्डर खड़ा रहेगा। तो बफर लेके चलें ताकि आपका जो भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होगी वहां से यानी कि आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। अब जीटीटी के थ्रू आपने दोनों लगा दिए, ये 300 भी लगा दिया और ये टारगेट का भी लगा दिया। अब कई बार क्या रहता है ना कि मार्केट की एक ही कैंडल आपको टारगेट भी दे देती है और एसएल भी दे देती है, तो अब टारगेट आपको मिल गया लेकिन आप उसको मॉडिफाई करने में इतना टाइम लगा दिया आपने कि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तब दिक्कत आती है कि अरे यार आया था पैसा और निकल जाता है। तो जीटीटी हैंड टू हैंड जीटीटी के थ्रू आप अपना टारगेट लगा दें और इसके थ्रू जो नॉर्मल एग्जिट वाला जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू आप ये वाला एसएल वहां लगा दें। दोनों अगर लग जाएंगे तो उसमें समस्या क्या रहेगी, अगर जीटीटी के थ्रू टारगेट का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, तो उससे पहले आपको एसएल का ट्रेड कैंसल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जब आप जीटीटी का ऑर्डर आपको लगता है कि अब टारगेट आने वाला है तो एसएल का जो ऑर्डर है थ्रू जो आपने डायरेक्ट लगा रखा है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जीटीटी टारगेट आ भी जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। या तो आप फुल प्लेस जीटीटी के थ्रू प्लेस करें या फिर एसएल के थ्रू जो अपना एग्जिट करके वहां पे ऑप्शन आता है उसके थ्रू करें, ठीक है। तो अब वहां से अगर करेंगे तो आपका टारगेट नहीं लग पाएगा, तो जीटीटी के थ्रू दोनों प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा सा बस बफर लेके चलें। और अगर ये एसएल मान लो लगता है कि जीटीटी के थ्रू ऑर्डर प्लेस होने वाला है, मतलब टारगेट आने वाला है, तो एसएल का जो ऑप्शन है उसको कैंसिल कर दें, ठीक है, इसके थ्रू आप कैंसिल कर दें, या फिर इसके थ्रू जीटीटी के थ्रू आप टारगेट लगा दें और सॉरी ऑर्डर के थ्रू सिंपल ऑर्डर के थ्रू आप टारगेट वाला लगा दें और जीटीटी के थ्रू लगा लें आप एसएल, ठीक है। अब ये वाला ऑर्डर आया, ऑर्डर आते ही तो आपका टारगेट आता है, आते ही तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे एग्जीक्यूट हुआ तो फिर ये जीटीटी का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग रहेगा, अगर उसमें भी टारगेट का हिट होता है तो आपके ऑप्शन एक सेल ऑप्शन खड़ा हो जाएगा, आपके फंड में बैलेंस नहीं होना चाहिए एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए, 3 से 5 लाख रुपए, अदरवाइज ये वाला जो ऑर्डर है जीटीटी का ये उसको सेल कर देगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग ऑप्शन हो गया है, पहले वाला आपका नॉर्मल के थ्रू कैंसिल हो गया और दूसरे वाला जो जीटीटी के थ्रू ऑर्डर लगा वो एक सेल का ऑर्डर लग चुका है। तो सिंपल सा इस चीज को ध्यान रख के ट्रेड करें
और वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी के, क्योंकि एक्चुअली किसी फ्रेंड ने मेरे को कहा था कि सर इस तरह की वीडियो बनाए ताकि हमारे लिए हेल्पफुल रहे, तो नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग को अपना प्रॉफिट बुक करने में दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार एक मूव बैंक निफ्टी की इतनी शानदार हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। तो उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, और भी अगर किसी के कोई क्वेरीज हो तो मेरे से जरूर बताएं, तो मैं उस पर भी कोई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।